क्योंकि चौथा सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए आप, एक का 15,500 रुपए है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 15,500 और 450 रुपए इसकी मरम्मत पर क्या कर दिया हमने? खर्च कर दिया। तो ये जो ऊपरी जो अन्य व्यय है, ऊपरी जो खर्च है, वो क्रय मूल्य में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तथा विक्रय मूल्य में वो ऊपरी जो खर्च होता है वो क्या होता है? घट जाता है। तो इसमें हमारे पास में यहाँ क्या लिख रहा हूं, वस्तु का विक्रय, वस्तु का कुल क्रय मूल्य 15,500 रुपए प्लस 450 रुपए, बराबर कितने आ गए हमारे पास में? 15,950 रुपए। ये क्या आ गया हमारे पास में? इसका क्रय मूल्य लाभ 15%। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का विक्रय, वस्तु का विक्रय मूल्य। सूत्र है हमारे पास में 100 प्लस में लाभ बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ये हमारे पास क्या इसका सूत्र है हमारे पास। अब इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, याद करेंगे। तो उसके अंदर ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस में 15/100 गुणा 15,950 रुपए, 15,950 रुपए। अब इसमें ध्यान देना, हमारे पास में 115 बटे क्या करें इसको 100 गुणा 15,950 रुपए। एक जीरो से हमारे पास में एक जीरो हमारे पास में कट गया। अब क्या है हमारे पास में? 115 है, 5 से काटता हूँ, 5 × 10 और 1 × 5 = 15। कितना आएगा? 5 × 3 = 15 आ गया हमारे पास में। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या करना है? 1595 गुणा क्या करेंगे? 23 और बटे क्या करेंगे? 2 और इधर क्या लगाना अपने को? रुपए लगाना है। तो यहाँ पर 3×5=115, हासिल पाई 11, 3×9=207 और 11 कितने हो गए? 218। हासिल पाई कितने आ गए? 21 हमारे पास में। 3×5=115, 115 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। 136 का छक्का लगाओ, हासिल पाई कितने आ गई? 13 आ गई। 23 और 23 कितने होते हैं? 13 जोड़ेंगे कितने आ गए? 36 बटे कितने आ गए हमारे पास में? 2 2×1=2, 2×8=16, 2×3=6, 2×4=8 और 2×2=4 वहीं भी आएगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 18,342.50 रुपए, 18,342.50 रुपए उस वस्तु का क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर है आपका 5वां सवाल है, ध्यान दीजिए। 5वां सवाल है हमारे पास में, एक प्रश्न नंबर 5, एक विषय, एक VCR और टीवी
को 8,000 रुपए में 8,000 रुपए में खरीदा। दुकानदार को 4% हानि तथा टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेनदेन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ तथा हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। अब यहां देखिए उत्तर है इसका विषयां का VCR का क्रय मूल्य 8,000 रुपए हानि 4% VCR का विक्रय मूल्य 100 माइनस हानि बटे 100 गुणा क्या है हमारे पास में क्रय मूल्य क्या है हमारे पास में क्रय मूल्य। अब इस पे ध्यान देने की बात है हमारे पास में कि जो हमारे पास में क्या है विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 4 बटे 100 गुणा क्या है 8,000 रुपए। दो जीरो से हमने दो जीरो काट दी 96 गुणा कितना आ गया हमारे पास में 80 गुणा कर दीजिए 0 8 6 48 8 72 4 76 7,680 रुपए है। कितना आया 7,680 रुपए। अब यहां पर हमारे पास में टीवी का क्रय मूल्य है 8,000 रुपए है लाभ 8%। टीवी का क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य टीवी का विक्रय मूल्य 100 प्लस में लाभ बटे 100 गुणा क्रय मूल्य क्या है हमारे पास में 100 प्लस में 8 बटे 100 गुणा वही कितना आ गई 8,000 रुपए। दो जीरो से दो जीरो कट गया हमारे पास में कितना आया 108 गुणा कितने आ गए 80 8,640 रुपए।
ये आया हमारे पास में 8,640 रुपए आए। अब यहां देखना है हमारे पास में क्या लिखेंगे, दोनों का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य 8,000 × 2 बराबर कितना आया हमारे पास में 16,000 रुपये, क्योंकि टीवी का मूल्य भी 8,000 रुपये है, VCR का मूल्य भी 8,000 रुपये है, दोनों की कीमत क्या है बराबर है, इसलिए उसको दो से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, दोनों दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या आएगा हमारे पास में, क्या था विक्रय मूल्य 7,680 रुपए प्लस 8,640 रुपए, 8,640 रुपए दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में 16,320 रुपए, 16,320 रुपए। आप चाहो तो जोड़ सकते हो 7,680 8,640 जीरो 8×4=12, 6×6=12, 13×15=16, आगे 16,320 रुपए होगा। अब हमने क्या किया, वस्तु हमने कितने में खरीदी 16,000 रुपए में, वस्तु हमने बेची कितने में 16,320 रुपए, क्या होगा हमें लाभ होगा, क्या होगा हमें लाभ होगा। तो आपको पता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 16,320 रुपए माइनस कितना करेंगे 16,000 रुपए बराबर कितना आगा 320 रुपए, कितना आया हमारे पास में 320 रुपए। अब क्या करेंगे लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इसको ध्यान दीजिए लाभ, लाभ कितना हमारे पास में 320 बटे 16,000 गुणा कितना करेंगे 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 16×16=32 कितना है हमारे पास में 2%, कितना है हमारे पास में 2%। तो उस पर वस्तु पर कितना हमें लाभ होगा 2% होगा, कितना होगा हमारे को 2% होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे लाभ और हानि क्या करेंगे निकाल लेंगे। लाभ हानि जब हम आपको बताया था जब वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होगी हमें हानि होगी, जब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य हमारे पास में क्या हो कम हो तो वस्तु पर क्या होगा हमें लाभ होगा। अब आगे 8.2 की अगली वीडियो में हम आपको छठा सवाल करवाएंगे और ये जो कार्य है आपको गृह कार्य की कॉपी में आपको करना है, साफ और स्वच्छ करना है, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।